वगैरह नहीं करता है। तो वहाँ कुछ लोग अपने तरीके से, टेम्पल है काफी पुराना टेम्पल है, परम प्राचीन कालीदेह मंदिर। वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं आया हूँ वृंदावन अवीला। आप लोगों को मैंने निधिवन का दर्शन करवा दिया है। फिलहाल मैं आप लोगों को जमुना जी और कालीदेह मंदिर दिखाने वाला हूँ, जहाँ श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, काफी मस्त मंदिर है जो कि पूरे पूरे पूरे। तो दोस्तों, ये जमुना जी के किनारे में एक छोटा सा मंदिर है, परम प्राचीन कालीदेह मंदिर। तो देख लीजिए, कालिया नाग आशीर्वाद लीजिए, दर्शन कर लीजिए। तो चलिए मेन मंदिर की तरफ चलते हैं। जय जमुना मैया वाली की जय, राधे राधे। तो दोस्तों देख लीजिए, काफ़ी जगह बोटिंग हो रहा है, काफ़ी दोपहर का टाइम है। तो निधिवन से बाहर निकलते ही आप लोगों को ये दिख जाएगा जमुना जी। तो आप नहा भी सकते हो, बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग का चार्ज काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। दोस्तों देख लीजिए, ये पानी बह रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है और आके जमुना जी में मिल रहा है। तो ये पानी काफ़ी तेज नहर के साथ आ रहा है। तो आप देख लीजिए, पानी काफ़ी वाइट वाइट थोड़ा मेला पानी है और जाके जमुना जी के साथ मिल रहा है। तो यहाँ बोटिंग भी आप कर सकते हो। तो मेरे पीछे बोटिंग करने की जगह है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे ले जाएगा, जो प्राइस काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे बोट वाले, 50 रुपये 100 रुपये पर पर्सन। तो मोटर बोट भी है, तो देखिए मोटर लगा हुआ है इस बोट में, मोटर बोट भी है। और इसी के बगल में काफ़ी सारे टेम्पल है, आप आओ तो यहाँ पर भी दर्शन कर लेना। देख लीजिए, वो कर रहे हैं विदाउट मोटर बोट और इस बोट में लगा हुआ मोटर, आप देखिए दोस्तों। तो फिलहाल बोटिंग वगैरह हो रहा है, शाम के समय में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, दोपहर के टाइम पे कोई बोट वगैरह नहीं करता है। तो वहाँ कुछ लोग अपने बोट वगैरह को पटक रहे हैं। तो ये बोट साइड मोटर बोट है, तो ये जो बोट आ रहा है ये है मोटर बोट। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे बोट रखे हुए हैं और एक बोट अभी आया हुआ है उस तरफ से। तो एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाते हैं। और इसी जगह लगा हुआ था से कुछ साल पहले कुंभ मेला, जो कि फरवरी में लगा हुआ था 2020 में। तो ये बोट भी मोटर है और वो कुछ सिंपल बोट, हर तरीके से आपको बोट मिल जाएंगे। तो जमुना जी का पानी आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, पूरा ब्लैक ब्लैक पानी है, नहा भी नहीं सकते। और बीच में दिखाया मैंने आप लोगों को किनारा किनारा था, शायद वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, शायद ज़्यादा गहरा नहीं है ये। और उस तरफ आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा वहाँ है कालीदेह टेम्पल, कुछ लोग पता नहीं बीच में चले गए हैं, शायद मुझे लगता है गहरा नहीं है ये। दोस्तों मैं कपड़े वगैरह नहीं लेके आया, नहीं तो मैं भी नहाता यहाँ पे, काफ़ी मन था मेरा जमुना जी में जाने का, लेकिन ये पानी भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है, स्वच्छ पानी नहीं है। और फिलहाल मैं चलता हूँ कुछ खाने पीने के लिए। तो सुबह से डोल रहा हूँ, कुछ खाना पीना खाते हैं जो ब्रिज में प्रसिद्ध है, पेड़ा लस्सी और कचौड़ी जो कि तेल से बनी होती है। तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छा यहाँ आनंद आ रहा, शाम के टाइम में आए बैठने में मज़ा ही आ जाएगा। तो ये वही जगह है जहाँ कृष्ण जी ने कालिया नाग को मारा था। तो कुछ ऊपर की तरफ से दिखा रहा हूँ, तो अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ अभी जल वगैरह भरा नहीं है, नहीं तो इस पर फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है, तो फाउंटेन वगैरह यहाँ पे चलता है। दोस्तों तो ये जो मार्ग आप देख रहे हो ये है परिक्रमा मार्ग। तो आप देख सकते हो, जैसा कि होली के बाद एकादशी पर यहाँ परिक्रमा लगाई जाती है हर साल, तो ये है वो परिक्रमा मार्ग। और इसी जगह काफ़ी सारे टेम्पल पड़ जाते हैं। दोस्तों वो टेम्पल है आ चुका है, काफ़ी सुंदर टेम्पल है देखने में। तो देख लीजिए, वहाँ के वही टेम्पल का रास्ता ये टेम्पल है वो, तो काफ़ी मस्त है क्या। बस चलो चलते हैं, पहली बार जा रहा हूँ मैं मथुरा वृंदावन में, इतने साल से रह रहा हूँ लेकिन अब मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो दिखाता हूँ ये टेम्पल काफ़ी इसी जगह पर, और उस तरफ है यमुना जी जहाँ पर कालिया नाग का वध किया गया था। पता नहीं वो धर्मशाला है या कोई मंदिर वगैरह। तो दोस्तों फिलहाल देख सकते हो मेरे तरफ काफ़ी बड़ा टेम्पल है, कालीदेह टेम्पल इसका नाम है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने कालिया नाग का वध किया था, तो ये वही टेम्पल है। तो चलिए ऊपर जाके देखते हैं इसका एंट्री गेट वगैरह किस तरफ है। तो ये टेम्पल है शायद, ये है शायद इसका एंट्री गेट। तो चलिए जाके एक बार चेक करते हैं। फिलहाल जो मंदिर है वो बंद है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो मंदिर है उसका टाइम है, शाम को 5 बजे खुलेगा। अगर आप आओ तो अपना मोबाइल वगैरह जो है उसको संभाल के रखना। तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छी जगह है, और इसी जगह श्री कृष्ण भगवान जी ने कालिया नाग का वध किया था। और इस तरफ चारों तरफ तार वगैरह काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं नीचे की तरफ,
तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ से जमुना जी दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूर है। तो दोस्तों फिलहाल जो गेट है वो मुझे ओपन मिल गया है, तो फिलहाल चलते हैं अंदर की तरफ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या मंदिर है। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से टेम्पल है, काफ़ी पुराना टेम्पल है। ऐसा लग रहा है कि कोणार्क टेम्पल जिस तरीके से उसी तरीके से, और ये एक छोटा सा बनाया गया है टेम्पल। तो चलिए अंदर तो बंद है इस समय फिलहाल, जो हो सकता है उससे दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है फूल वगैरह तोड़ना मना है, तो काफ़ी सुंदर। तो देख लीजिए इस तरीके से टेम्पल है कुछ, और ये जो गेट वगैरह है यहाँ का साइड बंद है। और ये कुछ देखने लायक तो ये देख सकते हो, ताला लगा हुआ है या कुछ भी। तो दोस्तों ये टेम्पल है फिलहाल अभी बंद है, और एक एक आध लोग भी नहीं है। इस समय जब मैं होली के टाइम पे आया था काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह थी, लेकिन इस समय ज़्यादा कुछ नहीं है। तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो आप लोगों को नॉइज़ तो दिक्कत नहीं है, माइक लगा हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं वृंदावन को, मैंने आप लोगों को टूर करा दिया है पार्ट वन पार्ट टू के हिसाब से, जो ब्लॉग है वो मेरे चैनल पर आ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हो काफ़ी सारे बिल्डिंग वगैरह टेम्पल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो एक टेम्पल इस तरफ है, इस तरफ वायरिंग की गई है। तो अब बंदर देखिए, अब बंदर काफ़ी सारे बंदर बैठे हुए हैं। उन बाबा जी ने कहा था फ़ोन को थोड़ा संभाल के रखना, तो फिलहाल चलता हूँ मैं यहाँ से, नहीं तो बंदर वगैरह फ़ोन वगैरह ले जाएंगे।